नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नागपुर शहर में 40 साल से मनाया जा रहा पृथक गोंडवाना राज्य संकल्प दिन। नेशनल गोंडवाना शोरूम की ओर से 1 मई को पृथक गोंडवाना राज्य संकल्प दिन मनाया जा रहा है। इसकी उपलक्ष्य में गोंडवाना राज्य ध्वज का ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बैराम जी टाउन स्थित गोंडवाना चौक में सुबह गोंड राज्य भक्त बुलंद शाह इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण एवं ध्वजारोहण के आयोजन का कार्यक्रम किया गया है। इस उपलक्ष्य में दिन भर जगह जगह विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 1 मई को काला दिवस मनाएंगे विदर्भवादी। महाराष्ट्र दिवस को विदर्भवादी काला दिवस के रूप में मनाएंगे। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की विधायक निवास में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही समिति के बैनर तले पृथक विदर्भ राज्य की मांग को लेकर संविधान चौक पर धरना भी दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर श्रीनिवास खांडेवाल ने की। अधिवामन वार चपट मुख्य संयोजक राम नवले, महिला अघाड़ी प्रदेश अध्यक्ष रंजना मामडे, प्रवीण कुमार चक्रवर्ती, पुरुषोत्तम पाटिल, सुनील पड़स्कर, मुकेश माशूरकर, अरुण केदार, विजय धोटे आदि ने इस दौरान विचार रखे। बैठक में विदर्भ निर्माण महामंच के बैनर तले लड़ गए लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी की गई। वक्ताओं ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि उसने पृथक विदर्भ राज्य की मांग का समर्थन किया था, लेकिन सत्ता हासिल होने के बाद उसने कुछ नहीं किया। विधानसभा चुनाव में पृथक राज्य के मुद्दे पर हर सीट पर चुनाव लड़ने का भी फैसला किया गया। विष्णु आगरकर, दिलीप भोयर, देवीदास लांजीवा, राजेंद्र सिंह ठाकुर, जगदीश भद्रे, कृष्ण राव भोगाड़े आदि उपस्थित थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।